पिछले कई सालों में ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं, जहां जंगली जानवर अक्सर रिहायशी इलाकों में दाखिल हो जाते हैं और खास तौर पर पहाड़ी इलाकों में ऐसा होना तो काफी आम बात है। ऐसा एक वीडियो उत्तराखंड के उत्तरकाशी से सामने आया है, जहां घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में एक गुलदार को घूमते हुए पाया गया है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे ये गुलदार रात के करीबन 2 बजे शहर के नजदीक मांडो रोड के पास गश्त लगा रहा है। वीडियो में दिख रहा है, पहले ये गुलदार सड़क पर घूम रहा था और फिर कुछ देर के बाद एक घर के बाहर बेहद नजदीक आ गया। वो तो इस मौके पर गनीमत ये रही कि कोई समय घर के बाहर मौजूद नहीं था, वरना कोई अप्रिय घटना भी घट सकती थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गुलदार के दिखाई देने के बाद इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है और इलाके के लोगों ने इसके बारे में सूचना वन विभाग को दे दी है। आपको बता दें, बीते 21 और 22 जनवरी को भी मनेरा स्थित ऋषिराम संस्थान के कैंपस में भी एक गुलदार घुस गया था और परिसर में मौजूद एक कुत्ते को उसने अपना शिकार बना लिया था। इसके बाद वहां पर मौजूद छात्र और कर्मचारियों ने भी गुलदार के खौफ से कुछ दिनों के लिए कैंपस में आना बंद कर दिया था। हालांकि वन विभाग ऐसे तमाम मामलों को लेकर बेहद तेजी के साथ कार्रवाई करता है, लेकिन जंगली जानवरों का इस तरह से रिहायशी इलाकों में लगातार आना चिंता का विषय है।